एक ऐसी स्किल जो कि दुनिया में हर एक पर्सन को डेवलप करनी चाहिए एंड लोग करना भी चाहते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते, और वो लाइफ स्किल है जो कि हर एक पर्सन को करना चाहिए, विच इज कम्युनिकेशन स्किल। यस गाइस, सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हो, प्लस कुछ मिथ के बारे में बात करने वाला हूं मैं जो कि आप लोगों के माइंड में है, जो कि मैं आज ब्रेक करना चाहता हूं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन और कैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया अपना। वेल गाइस, अगर आप मेरी पहली वाली वीडियोस देखते होगे तो आपने देखा होगा कि मैं कैसे करता था कम्युनिकेट। और एक्चुअली ना, जब मैं अपने स्कूल में था तो उस टाइम पे ना मैं बहुत फास्ट बोलता था। आप आज भी देखते होंगे कि वो हैबिट अभी भी मेरे अंदर है कि समटाइम्स मैं बोलता हूँ और वो समटाइम्स फंबल हो जाता है, ठीक है। बट स्टिल मैंने वो प्रॉब्लम, आई बिलीव कि वो प्रॉब्लम भी कुछ लोग फेस करते होंगे कि बहुत फास्ट बोलते हो और लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, राइट। तो उसके ऊपर ही हम बात करने वाले। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। वेल गाइस, दो लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। दोनों बचपन से दोस्त हैं, दोनों हार्वर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दोनों हार्वर्ड स्कूल में स्टडी कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। अब होता क्या कि दोनों ने पास कर लिया सेम मार्क्स से और सेम कॉलेज से दोनों ने पास किया, दोनों के पास सेम स्किल सेट है, सेम नॉलेज भी है, दोनों बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बट जो वो गए, दोनों गए एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे हुआ क्या कि बेसिकली जो ए है, मतलब जो राम है, उसको जो पैकेज मिला वो मिला 50 लाख के आसपास का। वाओ, 50 लाख का पैकेज, ऑलराइट। एंड जो आपका श्याम है उसको मिला बेसिकली 70 लाख या फिर 80 लाख के आसपास का उसको पैकेज मिला। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? दोनों के पास सेम नॉलेज थी, सेम स्किल सेट था, दोनों के पास सेम डिग्री थी, सेम कॉलेज से उन लोगों ने स्टडी कर रखा था। तो ऐसा क्या हुआ बेसिकली कि जो बी था, मतलब श्याम था, उसको ज्यादा पैकेज मिल गया कंपेयर टू राम से? सो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि श्याम ने सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट गाइस। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा लेवरेज है, सिंपल। तो दैट्स व्हाई यू शुड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। सी, अगर आप किसी भी कंपनी में जब काम करने के लिए, चाहे कोई स्टार्टअप है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई कंपनी बिल्ड हो रही है, चाहे कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आपके कुछ चीजें देखी जाती है और कुछ चीजों में आपका पहला प्रायोरिटी आता है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्या आप कैपेबल इनफ हो प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए लोगों से? सिंपल। और आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, कॉन्टेंट क्रिएशन कर रहे हो, यू शुड नो हाउ टू टॉक, यू शुड नो हाउ टू स्पीक, यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट, यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल समथिंग जो कि लाइफ में हर एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है और लाइफ में हर जगह काम आती है, राइट। चलो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि मिथ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। जो हमारा पहला मिथ है वो ये है, गुड इंग्लिश इक्वल्स टू गुड कम्युनिकेशन। एंड गाइस, अगर आपको ऐसा लगता था कि गुड इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि गुड कम्युनिकेशन, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस, सिंपल, राइट। ऐसा नहीं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन गए। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने उनका नाम डेफिनेटली सुना ही होगा, जो कि है राहुल गांधी। आप जानते हो कि राहुल गांधी जो है बेसिकली वो 99% पॉलिटिशियन से अच्छे इंग्लिश बोल लेते हैं, बट द थिंग इज कि लोग अभी फिर भी उन लोगों को लाइक उनको प्रॉपर वोट नहीं करते। क्यों? बिकॉज सही तरीके से वो अपने मैसेज को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते लोगों को, वो लोगों को जो है ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं कर पाते, राइट। एंड दैट्स आई लोग उनको वोट देते नहीं है। सो अगर आपको इंग्लिश आती भी है, इवन आपने बहुत बार अपने लाइफ में देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश तो आती है बट वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन का सिंपल पर्पज क्या होता है बेसिकली? कम्युनिकेशन सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड करा पा रहे हो। इंग्लिश एंड हिंदी, जापानीज, चाइनीज, इट जस्ट अ मीडियम टू टॉक, सिंपल। वो ये नहीं है कि अगर आपको जापानीज आती है तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, नहीं, आपको इंग्लिश आती है तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, द आंसर इज नो। क्या आप अपनी बातों को सामने वाले बंदे पर लाइक अंडरस्टैंड करा पा रहे हो? क्या आप बस ये बातें बोल रहे हो कि सामने वाला पर्सन जो कि अननोन है बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ योर टॉक वो आपकी बातों पर ट्रस्ट कर लेगा? ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में। सो गुड इंग्लिश का मतलब गुड कम्युनिकेशन नहीं होता। एंड गाइस, जो हमारा सेकंड मिथ है वो ये है, फिर गुड कम्युनिकेटर एंड आप इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हो, सो राइट नाउ भाई साहब आप तो नेक्स्ट लेवल के एक बेस्ट कम्युनिकेटर हो। गाइस, आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे जो बेसिकली जर्नलिस्ट होते हैं, जो न्यूज़ देते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, वो बहुत सही तरीके से बेसिकली क्या करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, बट स्टिल दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ बुलशिट, सिंपल, ठीक है। सो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप बेसिक आपको इंग्लिश आती है, आप बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बुलशिट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टिल गाइस, मेरा यहाँ पर किसी पर्सन को कोई ठेस पहुँचाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिंपल कहने का मतलब यहाँ पर ये, फिर अ गुड कम्युनिकेटर एंड इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, स्टिल यू कैन प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज एन एब्सोल्यूट इडियट।
राइट जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आती है और आप टोटली लाइक कम्युनिकेट कर लो, तो उसके अलावा उसके बाद भी भाई साहब अपने आप को एब्सोल्यूट इडियट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपल। सो गाइस आई होप कि आपके माइंड से ये दो मिथ निकल गए होंगे, बट राइट नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा भाई कि नाउ व्हाट द हेल इज क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच पीपल विल गोइंग टू लिसन टू यू। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से बेसिकली लोग आपको सुनेंगे? वो है कैन यू कमांड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। क्या आप अपनी बातों से लोगों का जो ट्रस्ट है वो कमांड कर पाओगे? आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे पास्ट में लोग जिनके बारे में सुना होगा, वो ऐसे कम्युनिकेट करते थे ताकि वो अपनी बातों से अपनी स्पीच से वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लेते थे, राइट। ऑलराइट, डिफरेंट डिफरेंट पीपल विल टेल यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स कि आपको बेसिकली कैसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, बट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि कैन यू कमांड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। अगर आप किसी एक अननोन पर्सन से बात कर रहे हो प्रॉपर सी तरीके से, तो क्या अपनी बातों से आप उस पर्सन का ट्रस्ट जीत पा रहे हो? ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑलराइट गाइस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड एक और आप लोगों के माइंड में डाउट होता है कि ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। मेरे ख्याल से ना ऐसा होता है, बट ना ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं आपको ऐसे ऐसे एक्सट्रोवर्ट दिखा दूंगा जो कि इंट्रोवर्ट बन गए कुछ लोगों के सामने। यू नो व्हाट हैपेंड गाइस, मैं गया था एक पर्सन से मिलने के लिए जो कि अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं, एंड मिलियन डॉलर कंपनी बेसिकली वो रन कर रहे हैं। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं उनसे पहले मिल भी रखा था, जब मैं उनसे मिलने के लिए गया किसी होटल में, तो उन्होंने बोला कुछ ऑर्डर कर लो आप। जब मैंने ऑर्डर करने के लिए जा रहा था, तो आई डोंट नो व्हाई मैं हेजिटेट हो रहा था, मुझे नहीं पता। मैं उनसे मिल रखा हूं, मैं जानता भी उनको, बट इससे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था। अब मैं ये भी नहीं पा रहा बोल, मैंने कहा सर कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं ये भी नहीं बोल पा रहा कि वैसे मैं हमेशा अपने खुद ही ऑर्डर करता हूं, ठीक है, बट द थिंग इज कि मैं बोल नहीं पा रहा यहां पे कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो मैंने बाय मिस्टेक नॉनवेज ऑर्डर कर दिया। सर ने बोला कि सर अब वो तो पाते हो ना, आप तो ब्राह्मण हो राइट, नॉनवेज। उनको आई एम सो सॉरी। फिर सर समझ गए, सर ने बोला चलो ठीक है मैं ही ऑर्डर कर देता हूँ। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सैंडविच या फिर कुछ भी चीज़ें बेसिकली ऑर्डर किया, राइट। तो कहने का मतलब गाइस ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बेसिकली आपका सिचुएशन में डिपेंड करता है, बट द थिंग इज कि यस, आप कोई भी पर्सन हो, आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि अननोन पर्सन से कैसे बात करना है, कैसे घुलना मिलना होता है, बिकॉज ये आपकी लाइफ स्किल है, बिकॉज आपको ये हर जगह काम आने वाली है, राइट। सिंपल सी बात है। एंड गाइस आपने ये भी सुना होगा, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। ऑल एट गाइस, चलो ठीक है, अभी मैं हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर कभी भी अगर आप एक कॉन्टेंट डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, या फिर कभी भी अगर आप कुछ लोगों से बात करते हो, फिर कभी भी अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप प्रॉपर क्यों नहीं कर पाते, इसका रीजन क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ पे तीन स्टेप बताने वाला हूँ। वो ये है कि पहली चीज तो ये आपके पास होता है इन्फॉर्मेशन, आपने सपोज करो कि एक आर्टिकल रीड किया, और वो आर्टिकल को रीड करके आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। मोस्टली लोग क्या करेंगे, उस आर्टिकल को लेंगे, पढ़ेंगे, हल्का फुल्का अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली, फिर क्या होगा कि वो फिर आगे मेरे मुझे आके एक्सप्लेन करना चालू कर देंगे। बट गाइस आपका तीन स्टेप प्रोसेस होता है, पहला होता है इन्फॉर्मेशन, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड आपका होता है कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया बेसिकली, कोई आर्टिकल आपने रीड किया, अब आप उस इन्फॉर्मेशन को कोशिश करोगे कि प्रॉपर मैं अपने वर्डिंग में अंडरस्टैंड कर पाऊँ। ये फिर आप उसको प्रॉपर नोट डाउन करोगे कि हाँ एग्जैक्टली मैंने ये चीज़ देखा, अब मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है, और उसको मैं अपने अंडरस्टैंडिंग में लिखता हूँ एक बार। फिर आपने उसको प्रॉपर लिख लिया, फिर आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपने जो आपका रिटर्न है उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करोगे, फिर जाके आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाओगे। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि लोग जो मिडल वाला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग उसको खत्म कर देते हैं। आपने ना ये बहुत बार स्कूल में देखा होगा कि हम रट्टा मार रहे होते हैं। रट्टा क्यों मारते हैं? बिकॉज हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, दैट्स वाई। और फिर हम सोचते हैं कि यार याद कर रखा है भूल जाएगा, यार मेरा माइंड शार्प नहीं है यार, मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ। आप याद करते हो, कोई भी याद करेगा तो भूल जाएगा। आपने याद किया, उसको अंडरस्टैंड किया, द आंसर इज नो। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप प्रॉपर सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं स्पीच दे रहे हो, चाहे आप कहीं किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे हॉस्ट हो, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, देन आपका क्या आता है? कम्युनिकेशन। वेल गाइस आप बोल रहे होगे कि भाई आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान तो दे दिया, बट आपने अभी तक ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन डेवलप कैसे करना होता है। चलो ठीक है, डायरेक्टली गाइस अब हमारे पॉइंट पे आते हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेशन को डेवलप होना करना होता है, एंड हाउ यू गाइस कैन डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। ऑलराइट, एंड जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट यू नीड टू इंप्रूव योर नॉलेज। आई नो गाइस कि दिस इज समथिंग जो कि आपको किसी ने कभी बोला नहीं होगा, बट बेसिकली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, देन कहीं ना कहीं बेसिकली पहले आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने बारे में मेरे को बताओ, तो जाहिर सी बात है आप बता पाओगे, हल्का फुल्का अपने बारे में बता पाओगे। चलो गाइस मैं आपको एक टास्क देता हूँ, डू वन थिंग, आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है आप उसको पिकअप करो और उस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट बोलो रैंडमली। अभी राइट नाउ आप इस वीडियो को पॉज करो और उस टॉपिक के बारे में 5 मिनट बोलो। इट कुड बी एनीथिंग, आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उस चीज के बारे में बोलो 5 मिनट कम से कम कैमरे में, ठीक है। इस वीडियो को स्टॉप करो, 5 मिनट बोलो, उसके बाद दोबारा यहां पर आओ।
आई होप गाइस बेसिकली कि आपने वो 5 मिनट वाला जो प्रोसेस है उसका कंप्लीट कर लिया होगा गाइस। एंड आई नो बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा, बट कुछ लोगों ने बेसिकली कर भी लिया होगा। राइट नाउ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई कैन टेल यू 90% लोग प्रॉपर नहीं बोल पाए होंगे। आप बेसिकली फर्स्ट मिनट में आपने प्रॉपर सही तरीके से बोला, आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया सही तरीके से। सेकंड मिनट में आप थोड़ा बहुत हेजिटेट होना चालू हो गए। थर्ड मिनट में आपको लगा कि अरे यार मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। चौथे मिनट में क्या लगा आपको बेसिकली कि यार लग रहा है कि तो एंड हो जाएगा। पाँचवें मिनट में आप क्या देख रहे थे कि लाइक यार 5 मिनट हो गए नहीं हो गए, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने ये बेसिकली मैं ये इसको यूज़ कर रहा था राइट, तो मैं कम से कम 2.5 मिनट बोल पाया था। ओके, मैं पूरा 5 मिनट नहीं बोल पाया था। प्रॉब्लम यहाँ होती है बेसिकली कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या कम्युनिकेट कर पाए, क्या बोले बेसिकली राइट गाइस। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट इंप्रूव योर नॉलेज। कि अगर कभी भी कोई बातें चल रही हो तो आप अपना हल्का सा इनपुट दे पाओ उन बातों में। सेकेंड चीज़ क्या है गाइस, इफ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर आपको बनना पड़ेगा एक गुड लिसनर। आप गुड कम्युनिकेट तभी कर पाओगे बेसिकली जब आप चीज़ों को सही से सुन पाओगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी जाके बेसिकली आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे। एंड गाइस जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गाइस सिंपल सी बात है, आप वीडियो को देख के बुक को पढ़ के सब कुछ सीख सकते नहीं हो अनटिल अनलेस आप चीज़ों को इंप्लीमेंट करो। मैं लिटरली बोलूँ गाइस मैंने कैसे डेवलप किया कम्युनिकेशन स्किल, जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग वीडियोज। सिंपल, ये लाइक लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मैंने जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, अपने आपको फेस करना चालू किया कैमरे के सामने। अभी आप देख सकते हो राइट नाउ मेरे को, आई कैन स्पीक गुड राइट, मैं अच्छा बोल सकता हूँ बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कंपेयर टू माय पास्ट मैं अभी हल्का फुल्का अच्छा बोल लेता हूँ आराम से राइट गाइस। तो स्टार्ट मेकिंग वीडियोस अपने लिए बेसिकली टारगेट लो। मैंने पहले बहुत पहले वीडियो बनाई थी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, मैंने वहाँ पर बोला था कि आप 30 डेज का चैलेंज दो वीडियो मेकिंग का, नॉट रील, कम से कम 5 to 10 मिनट की वीडियो। आपको मैं टास्क देता हूँ गाइस, कोई भी एक आर्टिकल रीड करो। आप एक काम करो, कोई भी किसी एक पर्सन के बारे में रीड करना है, सपोज करो कि आपको रीड करना है कुणाल शाह के बारे में, आपने उनका आर्टिकल रीड किया, आपने सब कुछ पढ़ने के बाद उनके बारे में जो भी सीखा उसको अंडरस्टैंड किया अपने फिर कॉपी में उसको पूरा उतार दो, और फिर जो कॉपी में उतार दिया उसको अंडरस्टैंड करके उनके बारे में वीडियो बना दो। और ऐसे आपको 30 डेज करना है एंड यू विल गेट टू नो 30 डेज के बाद क्या होगा बेसिकली टोटली चेंज आपका कम्युनिकेशन। एंड गाइस बेसिकली जो हमारा 4th पॉइंट है वो ये है, स्टार्ट टॉकिंग टू अननोन पीपल एवरी सिंगल डे। यू नो व्हाट गाइस, मेरा एक एडवांटेज है बेसिकली, वो क्या है कि मैं ऑलरेडी नो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग बिजनेस में हूँ राइट नाउ, तो मैं हर दिन लोगों से बात करता हूँ। राइट नाउ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात करूँ तो लगता है दोस्त से बात कर रहा हूँ मैं अपने, बहुत ही कैजुअली। स्टार्टिंग में मेरे लिए प्रॉब्लम था, बट द थिंग इज कि अब ये बहुत ही कैजुअल हो रखा है मेरे लिए। तो आप भी सिंपल कर सकते हो, अगर आप जा रहे हो पार्क में जॉगिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए, आप कहीं और जा रहे हो मूवी देखने के लिए, तो ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक सम फ्रेंड्स। उससे क्या होगा बेसिकली कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, मतलब कि वो खराब वाला कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा आपका और नया कॉन्फिडेंस आपका जगेगा बेसिकली। आप पार्क में जाओ, लोगों से मिलो, हाथ बात करो, आपके पास कुछ बातें होनी चाहिए बोलने के लिए, ठीक है, तो वो बहुत बेस्ट रहता है राइट। एंड गाइस जो हमारा 5th पॉइंट है वो ये है, स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। आपने देखा होगा बेसिकली कि आपका ना कोई फेवरेट स्पीकर होगा, लाइक चाहे राहुल भटनागर, अमन अग्रवाल, बीआर वाइस साहब्स, या फिर लाइक राज शर्मानी, बहुत सारे लोग हैं बेसिकली। आपका कोई ना कोई एक पर्सन फेवरेट स्पीकर होगा, क्या पता कि इंडिया का कोई बाहर का पर्सन हो जो एक बहुत नेक्स्ट लेवल कम्युनिकेट करता हो राइट गाइस। तो आपको उनको सुनने से तरीके से एंड आपको ट्राई करना है कि वो लोग कैसे बोलते हैं, उनको ऑब्जर्व करो, आप उनकी तरह बोलने की कोशिश करो। सिंपल, अब ऐसा नहीं है कि आप उनको कॉपी कर रहे हो, आप बस बेसिकली उनकी तरह ट्राई करो कि वो कैसे बोलते हैं, फिर आप वैसा बोलो, उन लोगों से सीखो, फिर उसको मॉडिफाई कर लेना उसी तरीके से। एंड ये मैंने कर रखा था, मेरे एक फेवरेट स्पीकर थे तो मैं कोशिश करता था जैसे वो बोलते हैं मैं वैसा बोलूं, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही अमेजिंग बोलते थे राइट। मैंने वो चीज़ ट्राई किया एंड वो करते करते हो गया, हल्का फुल्का कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गया। सिंपल सी बात है गाइस, इनके कुछ की पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो गाइस आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आपका ना हमेशा बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ओपन होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ ऐसे बात करूं, अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे वीडियो बनाता हूं और ऐसे एक्सप्लेन करता कि हाँ जी अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा राइट। बट अगर मैं वही बोलूं कि क्या, इफ यू वांट टू वर्क अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स यू नीड टू वर्क अपॉन दीज 1, 2, 3 थिंग्स, कौन सा बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड, आपको ऑलरेडी पता है गाइस सेकंड में। तो जब बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा टोटली ओपन का मतलब है कि थोड़ा पैर खुले, हाथ खुले, कोई आगे हाय ब्रो व्हाट्स अप मैन कैसा है ब्रो इस तरीके से, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज टोटली आपकी ओपन होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए एक टिप पॉइंट है राइट। एंड जो सेकंड टिप है वो ये है कि हमेशा अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल, कभी किसी से बोलो ना कि हाय मैन व्हाट्स अप,
ऑल गुड मैन। तो हमेशा ना फेस पे एक प्रॉपर से स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। और जब भी आप लोगों से बात कर रहे हो या फिर जब भी आप नए लोगों से मिल रहे हो तो वहाँ पर करना क्या होता है आपको, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछने होते हैं। गाइस ये जो स्किल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न दिस स्किल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। कभी आप लोगों से मिल रहे हो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ के ना, अच्छे क्वेश्चन पूछ के आप लोगों का ना कितना ज़्यादा टाइम ले सकते हो। सीरियसली टाइम लेने का मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेशन को, उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो अपना आराम से। जो हमारा चौथा टिप पॉइंट है वो ये है सेल्फ टॉक। आपको सेल्फ टॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, कि मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कि मैं क्या पहले से बेहतर हूँ। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। एंड जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि आपको ना एक साइकिल फॉलो करनी होती है, रीड राइट स्पीक रिपीट। आपको ये साइकिल फॉलो करनी होती है, रीड राइट स्पीक रिपीट। अगर आप कभी भी कोई वीडियोस बनाना चाहते हो, अगर आप कभी भी, उससे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। सो रीड राइट स्पीक रिपीट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको एक काम करना, पता है वो काम क्या है? वो काम है कि अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कर दो और अपने एक प्यारे से ग्रुप में, किसी भी फ्रेंड वाले फैमिली वाले ग्रुप में इसको डाल दो, शेयर कर दो, ताकि थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ जाए यार, भाई का भला हो जाए। जस्ट किडिंग मैन। ऑलराइट गाइस, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसे लगी। और ये सेल्फ हेल्प की आप लोगों के लिए सीरीज चल रही है एंड अभी और इससे भी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए आने वाली है। मैं गाइस मैंने काफ़ी डेवलप किया अपने आपको इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर में, ठीक है। मैंने कैसे कैसे डेवलप किया, मैं बहुत ही एंग्री पर्सन हुआ करता था, बट राइट नो आई एम काम गाय, ठीक है। मैं इतना चीज़ों पे सोचता नहीं था, बट राइट नो आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो चीज़ें हैं, मैं कैसे चेंज लाया लाइफ में, मैं कैसे अर्निंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इस सेल्फ हेल्प ग्रोथ वाली सीरीज में आने वाली है। ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे। चीयर्स, शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। चलो बाय बाय।